हेलो एवरीवन, अभी एक डेवलपमेंट हुआ है रिसेंटली इन द केस ऑफ सफूरा जरगर, जहां पे उनकी बेल एप्लीकेशन जो है वो कर दी गई है रिजेक्ट बाय एडिशनल सेशन जज ऑफ पटियाला हाउस न्यू दिल्ली। ये जो बेल एप्लीकेशन थी ये लग गए थे चार्जेस इन पे, वो थे UAPA के। इनके ऊपर ये आरोप लगाया कि दिल्ली के जो दंगे हुए थे रिगार्डिंग CAA ऑन 24th February एंड ऑनवर्ड्स, उसमें इनका लीडिंग रोल है, और साथ ही इनके भाषण के बाद और व्हाट्सएप के कुछ मैसेजेस के बाद ये पता चलता है कि उन्होंने काम करवाया है और दिल्ली में चक्का जाम करवाया है। अब इसके बाद उन पे लगा UAPA, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जो एक टेरर लॉ है। 21 हफ्ते की वो प्रेग्नेंट है और PCOD नाम की बीमारी से वो ग्रसित है, इसका जिक्र भी इसमें किया गया है। आइए हम जानते हैं कि सरकार के वकील ने क्या बोला और क्या बोला वकील ने सफूरा जरगर के, और फिर कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया इसके ऊपर ये देखते हैं। बेल ऑर्डर है तो जनरली छोटा होता है, इसलिए ऑर्डर केवल 9 पन्ने का है। आइए हम समझते हैं इसको। देखिए, सबसे पहले जो सफूरा सरगर के वकील थे उन्होंने बोला अंडर 439 उन्होंने बेल मांगी, और ये कहा कि जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है जो उन पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है वो फॉल्स नैरेटिव बना रही है अगेंस्ट इनोसेंट स्टूडेंट्स, और फ्री स्पीच और फ्री फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन को दबा रही है। अगर वो ऐसा करते रहे तो इससे फ्री फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन दबेगा, और ये सिटीजन का अधिकार है कि वो प्रोटेस्ट करे पीसफुली। साथ ही उन्होंने बात बोली कि जिस स्पीच के बारे में बोला जा रहा है कि वो भड़काऊ स्पीच थी 23 फरवरी को जो दी गई थी चांदबाग के अंदर, तो चांदबाग में उन्होंने उस दिन कोई स्पीच दी ही नहीं थी। उन्होंने एक स्पीच दी थी शाम को 4 बजे चांदबाग में नहीं लेकिन खुरेजी में। और उन्होंने ये भी कहा कि सरकार के वकील भी ये मानते हैं, सरकार भी ये मानती है कि दंगे हुए थे 24 फरवरी को 1 बजे, जब वो वहाँ पर थी ही नहीं, चांदबाग में थी ही नहीं। और साथ ही उन्होंने बोला कि वो चांदबाग 23 तारीख को गई जरूर थी पर उन्होंने वहां पे कोई स्पीच नहीं दी थी। इसके बाद उन्होंने बात बोली केदारनाथ के मामले में वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का जिक्र, बात बोली डिसअफेक्शन को समझाते हुए। ये जो डिसअफेक्शन वर्ड यूज किया गया, ये किया गया सेडिशन में, इसको कहते हैं राजद्रोह। और उन्होंने ये कहा कि केवल कोई बात को बोल देना ही इस केस में बताया गया था कि वो सेडिशन नहीं होता जब तक कि उसे वायलेंस इंसाइट ना हो जाए, यानी कि दंगे की भावना भड़के नहीं या दंगे होने ना लग जाए। केवल बोल देना मात्र ही जो है वो सफिशिएंट नहीं होगा सेडिशन के लिए। और उन्होंने ये कहा कि क्योंकि कोई मटेरियल फैक्ट ऐसा नहीं है कि उनके बोलने के बाद 23 तारीख को जो खुरेजी में बोला, अगर वो भी बात मान ली जाए तो दंगे हुए 24 तारीख को 1 बजे, तो इसका इससे कोई जिक्र नहीं है। साथ ही चांदबाग उन्होंने कोई स्पीच दी ही नहीं जहां पे दंगे हुए। और उन्होंने ये कहा कि इसलिए UAPA का जो सेक्शन 2O लगा है उन पे वो नहीं लगना चाहिए। 2O क्या बताता है देखते हैं। 2O बात करता है एन एक्ट और बाय वर्ड्स इधर स्पोकन या रिटन, कोई भी शब्द बोले गए हो लिखे गए हो जिससे कि इंटेंट हो या सपोर्ट हो क्लेम कि इंडिया की कोई टेरिटरी उससे अलग हो जाए, ऐसी कोई बात का जिक्र जो है उनकी बात से नहीं आता, और इसलिए उन पर ये चार्जेस ड्रॉप कर दिए जाए और उनको बेल दे दी जाए। साथ ही उन्होंने बात बोली कि श्रेया सिंगल के मामले को लेके कि यहां पे कोर्ट ने यह बोला कि अगर हमको अपनी आवाज किसी विदेशी को भी सुनानी हो या विदेशी संस्था को भी सुनानी हो जाए तो भी यह जिक्र नहीं आता कि उसमें UAPA लगेगा। यह बात बोली गई कि इट इज एडमिटेड फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट कि अगर मान भी लिया जाए कि वो किसी विदेशी को सुनाना चाहते हैं या किसी विदेशी ऑर्गेनाइजेशन को सुनाना चाहते हैं तो भी उन पर ये चार्जेस नहीं लगते हैं। साथ ही उन्होंने बात बोली कि एक और कोर्ट के ऑर्डर का वायलेशन हुआ है कि उन पर एक ही मामले में दूसरी FIR हो गई है, पर इसको भी बाद में कोर्ट ने मना कर दिया। यहां पे उन्होंने एक और बात बोली कि चलिए इस बारे में तो बात ठीक है, लेकिन साथ ही उनको बीमारी है PCOD की, और साथ ही उनको यूरिन का इन्फेक्शन है, और वो 21 हफ्ते की प्रेग्नेंट है, और इस ग्राउंड पे भी उनको बेल दी जाए क्योंकि उनके ऊपर कोरोना का खतरा और ज्यादा है, उनको वायरस हो सकता है इसका खतरा ज्यादा है, क्योंकि दिल्ली के 3-4 जेलों में ऐसे काम हो चुके हैं कि वहां पे केसेस निकल के आए हैं। यहाँ पे सरकार के वकील ने क्या बोला कि उन्होंने कहा कि पहली बात कोर्ट के पास ये अधिकार नहीं है कि वो बेल दे दे इनको, अंडर 43D clause 5 ऑफ UAPA। ये क्या बताता है कि कोई भी व्यक्ति को बेल नहीं दी जाएगी अगर वो चैप्टर 4 और चैप्टर 6 के अंदर उस पर कोई आरोप लगे हुए हैं, जब तक कि सुनने का मौका ना दे दिया जाए एक बार सरकार के वकील को, और अगर प्राइमा फेसे कोई मामले बन रहे हैं, प्राइमा फेसे कोई एविडेंसेस निकल के आ रहे हैं तो कोर्ट को जनरली बेल नहीं देनी चाहिए, ऐसी बात इसमें लिखी गई है। इसके बाद जिक्र किया उन्होंने व्हाट्सएप के चैट्स के बारे में, और कहा कि 161, 161 और 164 के जो बयान हैं
ऑफ विटनेसेस उससे के साफ साबित होता है कि यूएपीए लगना चाहिए उनपे। साथ ही उन्होंने बात बोली कि सिचुएशन पूरी सिटी में खराब कर दी गई थी। ये बात के भी जिक्र आते हैं कि उनके जो एविडेंसेस हैं कि दिल्ली में चक्का जाम हो जाए, इस तरह से पूरी सिटी में इनका इफेक्ट आता है और इसलिए लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट इससे इफेक्ट हो रहा है। यहां पर उन्होंने बात बोली कोर्ट ने उनकी बात मानते हुए कि देखिए राइट टू प्रोटेस्ट जो है वो आर्टिकल 19 का पार्ट है, पर वो भी सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं जो दिए गए हैं 19 क्लॉज 2 के अंदर, और इसीलिए ये बात सही नहीं है जो सफूरा जरगर ने बोली। साथ कि यहां पे जो उनका भाषण है, जो स्पीच है, अगर वो टेंडेंसी रखती है कि उससे पब्लिक पीस डिस्टर्ब हो जाए, जिसके बारे में जिक्र करता है ये केस केदारनाथ का केस, तो फिर वो वायलेंस माना जाएगा और उस पे सेडिशन या यूएपीए लग सकता है, ऐसी बात की गई है। साथ ही उन्होंने बात बोली केदारनाथ के मामले में ही कि अगर आपके भाषण से या आपकी लिखावट से कोई पब्लिक डिसऑर्डर होता है या डिस्टर्बेंस ऑफ पब्लिक पीस एंड ऑर्डर या लॉ एंड ऑर्डर होता है तो भी ये परफेक्ट मामला है सेडिशन में आने का। उन्होंने भाषण जो दिया वो दंगा भड़काने वाला था, लेकिन उनके पास ये भी सबूत देते हैं कि इससे पूरी दिल्ली थम गई, पूरी दिल्ली अपने घुटनों पर आ गई और इसीलिए पूरी सिटी में जो है वो पब्लिक डिसऑर्डर मेंटेन हो गया और ये कारण परफेक्ट है 2-0 ऑफ यूएपीए में आने का। कोर्ट ने इस बात का भी जिक्र किया कि प्राइमा फेसी यानी कि प्रत्यक्ष रूप से ये केस साबित होता है कि कॉन्स्पिरेसी हुई थी कम से कम इस बारे में कि चक्का जाम हो जाए। अब ये बात उन्होंने बोली है कि चक्का जाम होने की कॉन्स्पिरेसी दिखती है इससे, और इसे 339 जो बात करता है रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट की, जिसके लिए पनिशमेंट आईपीसी में शायद 1 या 6 महीना होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी, और 141 क्लॉज 3, 141 यानी कि अनलॉफुल असेंबली जो आपकी दी गई आईपीसी के अंदर, जिसके लिए सजा 6 महीना या अगर इससे ज्यादा हालत खराब हो तो 2 साल 3 साल भी हो सकती है, तो वो बात साबित होती है कि इन्होंने अनलॉफुल असेंबली करी और चक्का जाम की कॉन्स्पिरेसी। फेसी ऐसा दिखता है कि मामले बनते हैं और इसलिए उनकी कर दी जाती है बेल रिजेक्ट, और उनकी हेल्थ की जहां तक बात की जा रही है तो उनको मेडिकल फैसिलिटी वहां पे दी जाए जहां पे वो जेल में है। सरकार के वकील ने एक बात बोली कि उनको अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, यानी कि सफूरा जरगर के अगर काम से उन्होंने कोई गलत काम किया तो उसके लिए उनको रिस्पॉन्सिबल हो जाए, किसी और ने कोई दंगा कर दिया किसी और बात को लेके तो उससे इनका मतलब नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे कोर्ट ने बहुत बढ़िया लाइन बोली है, सुनने वाली लाइन है कि व्हेन यू प्ले विद एम्बर्स, आप जब अंगारों से खेलेंगे तो फिर हवा उसको लेके चली जाए अंगारों को और आग लगा दे, तो आप इसके लिए जिम्मेदारी नहीं लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो इससे हमको क्या समझ में आता है जजमेंट से, ये तो देखने वाली बात होगी कि इस पे आगे कोर्ट क्या फैसला देती है और क्या इन्वेस्टिगेशन होती है। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए।